हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया स्टॉक लेकर के आया हूँ जो कि स्टील सेक्टर का स्टॉक है और टाटा स्टील से बहुत बढ़िया रिटर्न बना करके आपको दे सकता है ये स्टॉक। इन द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग स्टील प्रोडक्ट, इट प्रोडक्ट इन इंक्लूड हॉट रोल कॉइल कोल्ड रोल स्टील। तो रोल्ड बनाता है ये कंपनी, ठीक है, स्टील का। तो ये BSE में लिस्टेड है, इसका मार्केट कैप है 1184 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 9.31 रुपये, इसने हाई बनाया है 10 रुपये का और लो है 3.96 रुपये। स्टॉक भी है 6.72। अभी स्टॉक अंडर वैल्यू मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है पी के हिसाब से। बुक वैल्यू है 6.35। वैसे टेक्निकल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो टेक्निकल तक बने रहना। स्टॉक को कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। तो कंपनी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, 10 रुपये का स्टॉक है 9 रुपये का, और डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 2.15% का। ROC है 2.26%, ROE है 1.41%, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और प्रमोटर के पास 60.9% की होल्डिंग है, बहुत शानदार होल्डिंग है प्रमोटर के पास। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03। एनुअल प्रॉफिट 154 करोड़ का। कंपनी के पास कर्ज है 24 करोड़ और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.41%। इंडस्ट्री PS 37, EPS 1.37 रुपये। फ्री कैश फ्लो निगेटिव में 193 करोड़। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। ट्रेडिंग सेक्टर की स्टॉक है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर वाले क्वार्टर में 6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जून वाले क्वार्टर में 6 करोड़ का, मार्च वाले क्वार्टर में 4 करोड़ का। अब पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, बट ये अब प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है और क्वार्टर वाइज काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला रही है कंपनी। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट है सितंबर वाले क्वार्टर में, जून वाले क्वार्टर में 5 करोड़ का है और मार्च वाले क्वार्टर में इन्हें 150 करोड़ का है। अगर प्रॉफिट लॉस ईयरली बेस पे देखें हम लोग तो TTM में देखेंगे 19 करोड़ का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 2022 में 4 करोड़ का है, 2021 में -1 करोड़ का। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, बट अभी 2021 में लॉस कम की है और 2022 से अच्छा प्रॉफिट ला रही है कंपनी। TTM में 19 करोड़ का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 174 करोड़ का है और 2022 में 154 करोड़ का है। 2021 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी के पास। अगर हम लोग कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 49%, 49% और TTM में 5878%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 47%, 3 साल में 30%, TTM में 20,624%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल में 34%, 3 साल में 83% और 1 साल में 29%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3 साल में 1%, लास्ट ईयर 1%। अगर बैलेंस शीट देखें, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें तो बॉरोइंग देखोगे कंपनी के ऊपर कर्ज 25 करोड़ का है और 681 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है ना, बिना कर्ज के काम काज होता नहीं, कर्ज लेकर ही काम काज करते हैं, तो कर्ज इनके पास है कम है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो 11 करोड़ का इनके पास नेट कैश फ्लो है और कैश फ्लो देखें तो 181 करोड़ का निगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 68% की होल्डिंग हुआ करती थी मार्च 2020 में, अभी होल्डिंग है 60.90% की। ये होल्डिंग डिक्रीज हुई थी जून 2021 में, 68% हुआ करती थी, बट डिक्रीज हुई है जून वाले क्वार्टर में 2021 में, 60.91% की होल्डिंग थी, लेकिन जून 2022 में 0.01% की होल्डिंग, कुछ पॉइंट में डिक्रीज हुई, बट अभी 60.90% की होल्डिंग है, बहुत शानदार होल्डिंग इसे माना जाता है, अभी भी होल्डिंग कम नहीं है, ठीक है। और FIIAS की पास होल्डिंग 0.09% की है, DIIAS की पास 0.35% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास होल्डिंग 38.66% की है। अगर पब्लिक के अंदर हम लोग देखें तो पब्लिक के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है इंडिविजुअल का, और प्रज्ञा रियल्टी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के पास 9.32% की होल्डिंग है और रवि अग्रवाल के पास 5.72% की होल्डिंग है।
तो काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है। आप प्रमोटर की होल्डिंग 70-75-80% तक का मान करके चल सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल का पैसा काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दूँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में हो रहा है डीमेट अकाउंट, जाइए ओपन कीजिए और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है श्री ग्लोबल ट्रेड फाइन लिमिटेड। कंपनी कोर बिजनेस इज ट्रेडिंग इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। तो हम लोग चलते हैं टेक्निकल पर, देखते हैं इनका टेक्निकल कैसा है, कहाँ बाई और सेल करके हमें चलना चाहिए। फंडामेंटली तो हमें स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपनी, और आपके अनुसार कैसा लग रहा है फंडामेंटल देख करके आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताओ। तो इस स्टॉक में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ये इसका मैक्सिमम हाई देख सकते हो आप लोग, 100 रुपये का हाई इसने लगा करके फिर नीचे आया, कई सालों से एक रेंज में थी। और ऐसे स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देते हैं। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 25-30 रुपये और 25-30 रुपये का लेवल, 25 से 30, 40, 50 रुपये का लेवल भी दिखला सकता है। जैसे ये स्टॉक इस लेवल को 10 रुपये के लेवल को 9 और 10 रुपये के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है, काफ़ी शानदार प्रॉफिट बना करके दे सकता है। ठीक है, टारगेट देख जा सकता बहुत लंबा। आपको मैं ये स्टॉक इस लेवल में 4 रुपये 37 पैसे के लेवल में सजेस्ट किया था, क्योंकि वो उस समय यहाँ से नीचे आ रहा था, ये स्टॉक 4-5 रुपये के लेवल में नीचे आ रहा था। बट अभी 1 दिसंबर के बाद ये कहीं इस लेवल में 9-10 रुपये के लेवल में रहा है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर दोबारा ये स्टॉक इस लेवल में आ सकता है, देखो कई बार इसने सपोर्ट लिया मेरे रेड लाइन पे, ठीक है, हो सकता है रीटेस्ट करके नीचे आए। जब नीचे आए तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, आप उस दौरान बाई करके चल सकते हो। दोबारा 5 रुपये के लेवल मिले तो आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों पेनी स्टॉक में जब भी 100% की प्रॉफिट आए, जितना भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया 100% प्रॉफिट देखो, सबसे पहला काम अपने कैपिटल बुक करो और मंथली इनकम का मात्र 2% हिस्सा पेनी स्टॉक में डालो। ये नहीं कि पूरा भर के अकाउंट खाली करते हैं, अच्छा स्टॉक मिला नहीं भर के अकाउंट खाली करें, वहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें और आपका पैसा लॉस में चला जाए। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। तो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ अभी यहाँ आपको बाय नहीं करना, वेट करना इस स्टॉक को यहाँ आने के लिए, 4 रुपये 95 पैसे 5 रुपये के लेवल तक आने के लिए आपको वेट करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है, ऊपर के लेवल में बाय नहीं करना। हाँ, जब ब्रेकआउट दे तो हो सकता है तो आप उस लेवल में बाय करके चल सकते हो। 7 रुपये 13 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट देगा तभी उसके बाद अच्छा रिटर्न बना करके देगी कंपनी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया था, ना कि बाई और सेल करने के लिए। और अगर एंट्री करना अभी इस लेवल में तो आप अपने रिस्क पर कर सकते हो, नीचे के लेवल में बाई करके चल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एंट्री करना है स्टॉक के अंदर तो आप अपना इनका फंडामेंटल चेक करना, टेक्निकल रिसर्च करना, उसके बाद कहीं एंट्री करना, बिल्कुल अपने रिस्क पर एंट्री करना। ठीक है, किसी का वीडियो देख करके स्टॉक के अंदर बाई और सेल नहीं करना चाहिए, खुद का रिसर्च ऐड करने के बाद कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस बनाया गया है बाई और सेल करने के लिए। मिलते हैं फिर।